आप देख रहे हैं दखल न्यूज। उद्योगों के सीएसआर फंड के मार्फत करोड़ों का वारा न्यारा करने के लिए 5 करोड़ के नकली नोट छापने वाले पति पत्नी को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दंपति ने घर में ही 5 करोड़ के नकली नोट छाप लिए और कई कंपनियों को 65 लाख का चूना लगाया। रायपुर के अमलीडीही में नकली नोट का कारखाना संचालित होने की सूचना एसएसपी अमरेश मिश्रा को मिली तो उन्होंने ताबड़तोड़ छापामार कार्यवाही की। उन्हें पता चला निखिल और उसकी पत्नी को उसके दिल्ली के एक दोस्त ने नकली नोट छापने का आइडिया दिया था। निखिल और पूनम नोटों का वीडियो बनाकर मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रोकर को वीडियो दिखाकर यह भरोसा दिलाते थे कि उनके पास बड़ी रकम है, लिहाजा सीएसआर मद की रकम उनके एनजीओ को देने में संकोच ना करें। वे 20% रकम काटकर शेष 80% एक नंबर में वापस लौटा देंगे। दंपति ने 8 कंपनियों को झांसा देकर 65 लाख रुपए की ठगी की है। इनके द्वारा सीएसपी के माध्यम से और कुछ अपना व्यवसाय करते हैं करके, और उसमें मुख्य बात यह है कि इन लोग जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में आप लोगों को सभी को पता होगा, एक सीएसआर मद होता है जिसमें सोशल कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से कुछ फंड है उनको रिलीज करना होता है, जिसमें जिस भी क्षेत्र में उद्योग लगे रहते हैं उसमें आसपास के एरिया में एजुकेशन, हेल्थ और अपने स्पोर्ट्स के नाम से उनको कुछ फंड देना रहता है, और इसके लिए एनजीओ के माध्यम से इन लोग ये काम करते हैं। अमलीडीही में नकली नोट का कारखाना संचालित होने की सूचना देने वाले ने पुलिस को ये एक वीडियो भी भेजा। एसएसपी ने इसके एक घंटे के भीतर क्राइम ब्रांच की 5 विशेष टीम गठित की। उन्होंने दंपति के हर एक मूवमेंट पर नजर रखनी शुरू की। अंत में घर में इनकी गिरफ्तारी हुई। इस दौरान पूनम ने पुलिस वालों के साथ बदतमीजी भी की। पुलिस अंदर दाखिल हुई और किचन से नोट का जखीरा बरामद किया। पुलिस ने महीने भर का सीसीटीवी फुटेज जब्त कर घर सील कर दिया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।